Creation of rational algebraic function by using partial fraction. Partial fraction use करके हम किसी integral को किस तरीके से solve करें. Suppose इस तरीके का integral हमें दिया हुआ है x dx upon x square plus 2x minus 3. इस integral को solve करने से पहले हमें partial fraction करना पड़ेगा. Partial fraction करने के लिए इसके factor करने पड़ेंगे. Suppose factor इसके हुए x प्लस 3 और x माइनस 1. तो इन गुणनखंडों को आंशिक भिन्नों में बदलने के लिए हम कुछ नियम कि किस तरीके के गुणनखंड हों तो किस तरीके से हम उनको चेंज करेंगे उसके लिए कुछ रूल हैं, उस रूल को हम डिस्कस कर रहे हैं. सबसे पहला रूल है कि जब हमारे पास में पार्शियल फ्रैक्शन करते समय जब फैक्टर जो बने वो क्या हो, एक तो लीनियर हो यानी एक घात के हो और डिफरेंट डिफरेंट हो यानी नॉन रिपीटेड. तो लीनियर फैक्टर नॉन रिपीटेड हो तो हम एक कांस्टेंट लिखेंगे बटा एक गुणनखंड प्लस दूसरा कांस्टेंट बटा दूसरा गुणनखंड प्लस तीसरा कांस्टेंट बटा तीसरा गुणनखंड. अब जो फैक्टर हमने किए हो सकता है वो लीनियर तो हो लेकिन रिपीट हो रहे हो, यानी यहां पर देखो x प्लस 2 तीन बार आ गया, एक घात के गुणनखंड हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो हम इनको पार्शियल फ्रैक्शन में लिखने के लिए एक कांस्टेंट a बटा x प्लस 2 प्लस b बटा x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस c बटा x प्लस 2 का क्यूब, और अगर ये पावर 4 होती तो इसी को प्लस d बटा x प्लस 2 की पावर 4. यानी दो तरह के फैक्टर हो गए, लीनियर नॉन रिपीटेड, लीनियर रिपीटेड. अब हमारे पास में तीसरी टाइप का जो फैक्टर हो सकता है वो द्विघात हो यानी क्वाड्रेटिक फैक्टर हो और नॉन रिपीटेड हो, तब हम इनको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए एक पेयर लेंगे, यानी ए एक्स प्लस बी बटा एक फैक्टर प्लस सी एक्स प्लस डी बटा दूसरा फैक्टर, और अगर ये तीन होते तो यहां प्लस ई एक्स प्लस एफ बटा तीसरा फैक्टर ले लेते. अब चौथी टाइप हो सकती है कि जब आपके पास में फैक्टर हो वो द्विघात के हों और रिपीट भी हो रहे हों, यानी एक्स स्क्वायर प्लस टू क्वाड्रेटिक फैक्टर हो गया और ये दो बार आ गया, तो हम ए एक्स प्लस बी बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और अगर ये क्यूब होता तो इस तरीके से आगे बढ़ जाते. यहां ये जो ए बी और सी और डी ये जो यूज कर रहे हैं हम, ये सब कांस्टेंट हैं, इनकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम आगे जब प्रॉब्लम सोल्व करेंगे उस समय बताएंगे ये कांस्टेंट्स की वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं. यानी आंशिक भिन्नों में बदलने के लिए हम किसी भी दी हुई इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे तब वे चार तरह के फैक्टर होंगे, एक लीनियर फैक्टर नॉन रिपीटेड या लीनियर फैक्टर रिपीटेड, क्वाड्रेटिक फैक्टर नॉन रिपीटेड, क्वाड्रेटिक फैक्टर रिपीटेड, और ये चार रूल हैं उनको पार्शियल फ्रैक्शन में लिखने के. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये प्रॉब्लम हमें दे रखी है, तो हमने लिखा x अपॉन इसके फैक्टर करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3. यहां पर हमने x कॉमन ले लिया तो x प्लस 3 x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड हो गया. ये वाला क्या बन गया, लीनियर और नॉन रिपीटेड यानी फर्स्ट टाइप का हो गया, तो हम उधर फैक्टर लिखेंगे a बटा एक गुणनखंड प्लस b बटा ये दूसरा गुणनखंड, a बटा x प्लस 3 प्लस b बटा x माइनस 1, इस तरीके से हमने इसको लिख लिया. अब ये जो a और b कांस्टेंट है इनकी वैल्यू निकालने के लिए, सपोज हमारे पास में ये था x अपॉन x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1, तो ये इस तरीके से लिख दिया. a की वैल्यू निकालने के लिए x प्लस 3 को हम 0 के बराबर रखें, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 3. इसमें इस फैक्टर को छोड़ के जहां जहां एक्स है वहां माइनस 3 रखें, तो ये माइनस 3 बटा माइनस 3 माइनस 1 माइनस 3 बटा माइनस 4 यानी 3 बटा 4, तो ए का मान आ गया 3 बटा 4, तो ए का मान लिख दिया हमने 3 बटा
चार प्लस बी, इसका मान निकालने के लिए इस फैक्टर को एक्स माइनस वन को जीरो के बराबर रखेंगे तो एक्स बराबर वन आएगा, इसको छोड़ के एक्स बराबर वन रख दो तो वन अपॉन वन प्लस थ्री यानी वन बाई फोर, तो बी का मान आ गया वन बाई फोर, बी का मान रख दिया वन बाई फोर। ये कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल लिया, डीएक्स अपॉन एक्स प्लस थ्री प्लस वन बाई फोर बाहर निकाल लिया, डीएक्स अपॉन एक्स माइनस वन, डीएक्स अपॉन एक्स का लॉग एक्स होता है प्लस वन बाई फोर डीएक्स अपॉन एक्स का लॉग एक्स माइनस वन प्लस सी। अब हमने ये थ्री यहां लॉग के पास में वैल्यू थी, इसके ऊपर ले गए पावर, तो वन बाई फोर लॉग एक्स प्लस थ्री का क्यूब प्लस वन बाई फोर लॉग एक्स माइनस वन प्लस सी। वन बाई फोर दोनों में कॉन्स्टेंट है, कॉमन निकाल लिया वन बाई फोर, तो ये बन गया लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए इंटू बी। अब इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं डीएक्स अपॉन ई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। तो पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं, पुट ई एक्स माइनस वन इज इक्वल टू टी, देन ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो डी एक्स हो गया डी टी बटा ई एक्स, और ई एक्स क्या हुआ टी प्लस वन, तो डी टी बटा टी प्लस वन। तो डी एक्स की जगह हम लिखेंगे डी टी बटा टी प्लस वन, डी टी बटा टी प्लस वन, और वन अपॉन इसकी जगह टी रखा तो टी स्क्वायर, वन अपॉन टी स्क्वायर टी प्लस वन। ये गुणनखंड हो गए, तो आंशिक भिन्नों में बदलने के लिए देखो कौन से टाइप हो गई, ये लीनियर है और ये रिपीट हो रहे हैं लीनियर फैक्टर, तो हम एक कांस्टेंट बटा एक गुणनखंड प्लस बी बटा टी और प्लस सी बटा टी स्क्वायर। अब ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए हम यहां पर एलसीएम ले लेंगे, तो टी प्लस वन इंटू टी स्क्वायर, टी प्लस वन बार भाग गया तो ए को टी स्क्वायर से इंटू कर दिया ए टी स्क्वायर, प्लस टी बार भाग गया तो टी प्लस वन इंटू टी से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, टी स्क्वायर भाग गया तो टी प्लस वन से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर कैंसिल कर दिया तो वन इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी टी प्लस सी। अब हम ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए इस इक्वेशन में कॉन्स्टेंट के कोफिशेंट कंपेयर करेंगे। सबसे पहले टी स्क्वायर का कोफिशेंट ले हम गुणांक, तो यहाँ टी स्क्वायर का गुणांक ए है ए, टी स्क्वायर का गुणांक बी है तो ए प्लस बी, लेफ्ट हैंड साइड में टी स्क्वायर का गुणांक जीरो है तो जीरो। अब टी के कोफिशेंट हम कलेक्ट कर लें, टी का कोफिशेंट यहाँ बी प्लस सी, बी प्लस सी, इधर टी है ही नहीं तो टी का कोफिशेंट जीरो। अब हम कॉन्स्टेंट टर्म ले लें, इधर से कॉन्स्टेंट टर्म सी है तो सी, और इधर कॉन्स्टेंट टर्म वन है तो c इज इक्वल टू वन, तो c का मान वन आ गया, c का मान वन यहां रख दें तो b इज इक्वल टू माइनस वन, b की वैल्यू माइनस वन यहां रख दें तो a इज इक्वल टू वन। ए बी सी के ये मान इस जगह हम सब्स्टिट्यूट कर दें, तो ये ए बी सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। इस इंटीग्रल को सोल्व करना था तो इंटीग्रल का साइन लगा दें, इंटीग्रल dt, इंटीग्रल dt, इंटीग्रल dt, तो dt बटा t का log t होता है, dt बटा t का log t, और यह है टी स्क्वायर तो ऊपर ले जाओ टी की पावर माइनस टू, टी की पावर माइनस टू का होता है टी की पावर माइनस वन बटा माइनस वन प्लस सी। ये लॉग ए माइनस लॉग बी है तो लॉग ए अपॉन बी, टी की वैल्यू रख दो, टी हमने किसको रखा था ई एक्स माइनस वन को, तो ई एक्स माइनस वन प्लस वन अपॉन ई एक्स माइनस वन, माइनस वन अपॉन टी बनाइए और टी की वैल्यू है ई एक्स माइनस वन, तो लॉग वन से वन कैंसिल कर दो, ई एक्स अपॉन ई एक्स माइनस वन माइनस वन अपॉन ई एक्स माइनस वन प्लस सी। यहां इस प्रॉब्लम में हम देख रहे हैं कि एक्स की पावर दो है, इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे ये भी एक्स की पावर दो हो गई, यानी अंश में और हर में घातें समान हो गई, तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करते हैं, तो हम एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू से, वन बार भाग गया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, चिन्ह बदल दो माइनस प्लस और प्लस, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो प्लस एक्स बचा प्लस टू बचा, यानी एक बार तो भाग गया प्लस ये एक्स प्लस टू रिमाइंडर बचा था और इसका हमने भाग दिया था, इसके फैक्टर ये रहे तो एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू। अब आंशिक भिन्नों में हम तब तोड़ते हैं जब अंश से हर में घाते ज्यादा हो, यानी यहां तो दो घात हो गई यहां एक घात हो गई, तो इसको आंशिक भिन्न में तोड़ने के लिए ये लीनियर फैक्टर है, और लीनियर फैक्टर का पहला रूल क्या था,
एक कांस्टेंट ए बटा एक गुणनखंड प्लस दूसरा कांस्टेंट बी बटा ये दूसरा गुणनखंड। ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए इस जगह से हम फाइंड आउट करेंगे, तो एक्स प्लस वन को हम जीरो रखें तो एक्स बराबर माइनस वन, इसको छोड़ के इसमें एक्स बराबर माइनस वन रखेंगे तो ये माइनस वन प्लस टू तो वन बचा, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, तो माइनस वन बाई थ्री, ए की वैल्यू माइनस वन बाई थ्री कैलकुलेट हो गई। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए बी की एक्स प्लस एक्स माइनस टू को जीरो रखेंगे, देन एक्स इज इक्वल टू टू, इस फैक्टर को छोड़ के एक्स इज इक्वल टू टू, तो टू प्लस टू फोर अपॉन टू प्लस वन थ्री, तो फोर बाई थ्री, बी की वैल्यू आ गई फोर बाई थ्री। इसको इंटीग्रेट करना है तो टोटल को इंटीग्रेट कर दें हम, तो डीएक्स का इंटीग्रल एक्स हो जाएगा, माइनस वन बाई थ्री कॉन्स्टेंट है, डीएक्स बटा एक्स प्लस वन लॉग एक्स प्लस वन प्लस फोर बाई थ्री लॉग एक्स माइनस टू प्लस सी। अब यहाँ पर ये जो फोर है ये ऊपर पावर ले जाएंगे, वन बाई थ्री कॉमन ले लेंगे तो लॉग ए माइनस लॉग बी हो जाएगा, लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग ए अपॉन बी होता है और प्लस सी। कोस एक्स डी एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स टू प्लस साइन एक्स, पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करें, देन पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी कोस एक्स डी एक्स डी टी, तो ये कोस एक्स डी एक्स डी टी बना, वन प्लस टी टू प्लस टी, पार्सियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें क्योंकि एक घात के गुणनखंड हो गए, तो एक घात में पहला रूल क्या था, एक कांस्टेंट बटा एक गुणनखंड प्लस दूसरा कांस्टेंट बटा दूसरा गुणनखंड। ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए वही रूल, वन प्लस टी को जीरो रखो तो टी बराबर माइनस वन, यहां टी बराबर माइनस वन इसको छोड़ के, तो यहां माइनस वन करूंगा तो प्लस वन वन आ जाएगा, तो ए की वैल्यू वन आ गई। टी प्लस टू बराबर जीरो तो टी बराबर माइनस टू, इसको छोड़ के टी बराबर माइनस टू करूंगा तो वन माइनस टू तो माइनस वन, तो बी की वैल्यू माइनस वन आ जाएगी। इंटीग्रेट अलग अलग कर दें तो डी टी बटा वन प्लस टी माइनस डी टी बटा टू प्लस टी, तो लॉग ए और माइनस लॉग बी लॉग ए अपॉन बी प्लस सी। टी की वैल्यू रख दें, टी हमने रखा था साइन एक्स, तो वन प्लस साइन एक्स अपॉन टू प्लस साइन एक्स प्लस सी। डी एक्स अपॉन एक्स एक्स की पावर फाइव प्लस वन, हमने उधर आंशिक भिन्नों में ब्रेक करते समय जो चार रूल लिखे थे उसमें या तो फैक्टर थे लीनियर या थे क्वाड्रेटिक, यानी एक घात और दो घात, यहां एक्स की घात पांच है, तो इसको कम में उसमें लीनियर में या क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने के लिए इससे एक कम पावर से यहां ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स की पावर फोर से तो हमने मल्टीप्लाई किया, एक्स की पावर फोर से डिवाइड किया और ये एक्स मिलके एक्स की पावर फाइव हो गई। एक्स की पावर फाइव को हमने टी रखा तो फाइव एक्स फोर डी एक्स डी टी या एक्स फोर डी एक्स डी टी बाई फाइव, तो ये एक्स फोर डी एक्स तो हो जाएगा आपका वन बाई फाइव, तो बाहर कर दिया डी टी बाई, इसको हमने टी रखा और ये टी प्लस वन हो गया, तो डी टी बटा टी इंटू टी प्लस वन। आंशिक भिन्नों में एक घात के गुणनखंड वाला रूल लगा दें तो एक कांस्टेंट बटा एक गुणनखंड प्लस दूसरा कांस्टेंट बटा दूसरा गुणनखंड। ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए वही पुराना नियम, टी बराबर जीरो रखो, इसको हटा के जीरो रखो तो ये जीरो, तो वन बाई वन बचा, यानी ए का मान वन हो गया। बी की वैल्यू निकालने के लिए टी प्लस वन बराबर जीरो तो टी बराबर माइनस वन, इसको छोड़ के माइनस वन तो ये माइनस वन, तो माइनस आ गया माइनस वन अपॉन टी प्लस वन। इंटीग्रेट कर दूं तो लॉग टी माइनस लॉग टी प्लस वन, तो लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग ए अपॉन बी हो गया। टी की वैल्यू रख दी एक्स की पावर फाइव। इस प्रॉब्लम में इंटीग्रल डी एक्स अपॉन एक्स ब्रैकेट सिक्स लॉग एक्स स्क्वायर प्लस सेवन लॉग एक्स प्लस टू, यहां हम लॉग एक्स को टी रख रहे हैं तो पुट लॉग एक्स इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स डी एक्स डी टी, तो डी एक्स बटा एक्स को तो हमने डी टी कह दिया। ये सिक्स टी स्क्वायर प्लस सेवन टी प्लस टू, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर कर लिए, फैक्टर थ्री टी प्लस टू टू टी प्लस वन, एक घात में लीनियर फैक्टर हो गए, तो एक कांस्टेंट ए बटा एक गुणनखंड प्लस बी बटा दूसरा गुणनखंड। ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए वही पुराना नियम, इसको जीरो के बराबर रखेंगे, टी की वैल्यू कैलकुलेट करें, इसको छोड़ते हुए इसमें रख दें, वो ए की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। टू टी प्लस वन को जीरो रख के इसमें टी की वैल्यू कैलकुलेट करके इसको छोड़ के इसमें रख के बी की वैल्यू, डी टी बटा टी में लॉग टी और ये जो टू टी था तो टू से डिवाइड कर देंगे, डी टी बटा थ्री टी प्लस टू तो लॉग थ्री टी प्लस टू और
थ्री टी, तो थ्री से डिवाइड कर दिया, लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग ए अपॉन बी का रूल लगा दिया। थ्री एक्स अपॉन एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू एक घात के गुणनखंड हैं, आंशिक भिन्नों में बदलने के लिए पहला रूल लगा दें, ए कांस्टेंट बटा एक गुणनखंड प्लस दूसरा कांस्टेंट बटा दूसरा गुणनखंड, ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए वही पुराना डायरेक्ट नियम लगा दें, एक्स प्लस वन को जीरो रखेंगे, एक्स बराबर माइनस वन, इसको छोड़ के माइनस वन करेंगे तो माइनस थ्री बटा माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, माइनस थ्री बटा माइनस थ्री वन हो जाएगा, तो ए का मान वन आ जाएगा। इस बी की वैल्यू निकालने के लिए एक्स माइनस टू बराबर जीरो, एक्स बराबर टू, तो इसको छोड़ के टू, तो ये हो गया सिक्स अपॉन टू प्लस वन थ्री, सिक्स बटा थ्री टू, तो बी का मान टू आ गया। अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया तो लॉग एक्स प्लस वन प्लस टू लॉग एक्स माइनस टू प्लस सी। डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब प्लस वन, अब यहां पर ये एक्स क्यूब प्लस वन है तो एक्स क्यूब प्लस वन के हमने फैक्टर किए, फैक्टर हुआ एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। यहां इस गुणनखंड में हम देख रहे हैं एक तो एक घात का है एक द्विघात का है, तो एक घात का रूल तो था एक कांस्टेंट बटा वो गुणनखंड प्लस, अब ये द्विघात में था पेर लेते थे तो वहां वो रूल लगा दिया थर्ड वाला बी एक्स प्लस सी अपॉन ये गुणनखंड। ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए हम यहां एलसीएम ले लें, इसका एलसीएम ले लिया एक्स प्लस वन बार, तो ये तो इस फैक्टर को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और बी एक्स प्लस सी इंटू ये डिवीजन में चला गया तो एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर दोनों के कैंसिल कर दिए तो वन इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ए बी सी की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हम एक्स स्क्वायर एक्स और कॉन्स्टेंट टर्म के कोफिशेंट कलेक्ट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बी है, तो ए प्लस बी इधर लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का गुणांक जीरो। एक्स का गुणांक ले लें तो यहां माइनस ए और यहां पर ये प्लस बी एक्स का और ये प्लस सी, तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी, इधर एक्स है ही नहीं तो एक्स का गुणांक जीरो हो गया। कॉन्स्टेंट टर्म इधर कॉन्स्टेंट टर्म ए हो गई सी हो गया, तो ए प्लस सी इधर कॉन्स्टेंट वन, तो ए प्लस सी इज इक्वल टू वन। हमारे पास में ए बी सी तीन अननोन क्वांटिटीज हैं और ए बी सी तीन इक्वेशन बन गई, तीनों इक्वेशंस को सोल्व करके हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ए बी सी की वैल्यूज ए बी और सी की जो वैल्यू कैलकुलेट करी वो यहां सब्सटीट्यूट कर देंगे, इसको इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रल ये तो वन बाई थ्री, ये ए की वैल्यू थी कॉन्स्टेंट वन बाई थ्री बाहर निकाल लिया डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, ये बी की वैल्यू यहां से हमने माइनस वन बाई थ्री तो माइनस वन बाई थ्री, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन प्लस टू बाई थ्री डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और इस इंटीग्रल को कंप्लीट कर लिया।